आज हम बात करने वाले हैं फाइव साइन के बारे में जो बताते हैं कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है। अगर ये फाइव साइन आपके रिलेशनशिप में देख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो वो इंसान आपको प्यार नहीं करता है। जिसे आप चाहते हो वो आपको प्यार नहीं करता है, अगर ये साइन आपको दिख रहे हैं तो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं क्या वो भी हमें प्यार करते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग जज ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं कर पाते हैं कि क्या साइन मिलते हैं, कि वो भी इंसान हमें चाहता है या नहीं। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा फाइव ऐसे साइन जिनसे आप बेशक जज कर पाएंगे कि वो इंसान आपको प्यार करता है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो साइन कौन से हैं जो बताते हैं कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला साइन है वो ये है कि वो इंसान पहले से कहीं कमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान पहले से किसी के साथ कमिटेड है, वो इंसान पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में है और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे प्यार करे, आपसे प्यार करता है, आपको यही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान पहले से ही किसी के साथ है, किसी के साथ कमिटेड है, तो यहाँ पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान के पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करता है। तो फर्स्ट साइन इज जो बताता है कि वो इंसान पहले से किसी के साथ कमिटेड है, आपको लग रहा है कि वो उसके साथ नहीं है, आपसे प्यार करता है, तो यहाँ पर आपको जरा भी डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसान आपके साथ प्यार करता तो वो आपके साथ कुछ और बातें करता, आपसे इंटरेस्टेड होता, आपसे वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, आपके साथ कमिटेड नहीं है, आपके साथ बैठता नहीं है, तो यहाँ पर वो इंसान, आपको पता भी है कि वो इंसान किसी और के साथ है, किसी और के साथ कमिटेड है, आप उसके बावजूद भी वहाँ पर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ये साइन भी बताता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। तो फर्स्ट साइन इज, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड साइन के बारे में। सेकेंड साइन इज, वो इंसान पहले से ही इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको लग रहा है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे प्यार करता है, तो यहाँ पर पहले आपको जज कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपसे वो प्यार कर रहा है। अगर वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो इंसान पहले से ही इंटरेस्टेड नहीं है और आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत पहले से ही आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आप उसके साथ बैठते हैं तो वो आपके साथ ज़्यादा देर तक कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, आपके साथ बातें करते हुए वो इधर उधर देखने लगता है, किसी और से बातें करने लगता है, तो ये साइन जो बताते हैं कि वो इंसान पहले से ही आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहा है। और जब कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं होता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपके साथ बैठते हुए भी किसी और से बातें करने लगता है, किसी और की तरफ इंगेज हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। और जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, उस रिलेशनशिप में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बेइज्जती ही होगी, तो ऐसे में आपको वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तो इस साइन से भी आप जज कर सकते हैं कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि आपसे प्यार नहीं करता है। तो ये दूसरा साइन हो गया, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे साइन के बारे में। तो तीसरा साइन है जो बताता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो ये है कि उसका हर समय किसी अदर पर्सन के बारे में बात करना। जी हाँ दोस्तों, उसका हर समय किसी अदर पर्सन के बारे में सोचना, किसी अदर पर्सन के बारे में बात करना, आपके साथ वो बैठा है, आपके साथ है, लेकिन वो आपके सामने किसी अदर पर्सन की बात करता है, जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाता है, उस इंसान के बारे में बात करता है। कभी कभी वो उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, आपके सामने भी उसका जिक्र करने लगता है, तो अगर ऐसा साइन वो आपको दे रहा है तो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। यहाँ पर भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस साइन से आप जज कर सकते हैं कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे प्यार नहीं करता है। उसका हर समय किसी अदर पर्सन के बारे में बात करना, अदर पर्सन के बारे में सोचना, ये दिखाता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। तो इस तीसरे साइन को भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर साइन के बारे में। तो चौथा साइन है वो ये है कि आपको हर समय इग्नोर करना। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको हर समय इग्नोर करता है, आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, जब भी आप उसके पास जाते हैं आपसे वो ज़्यादा देर तक बात नहीं करता है, आप उसे कम्युनिकेट भी करते हैं कि मुझसे बात करो, तो वो बोरियत फील करने लगता है, उसे ऊब होने लगती है आपके साथ, वो ऐसा शो अप करता है, ऐसा दिखाता है कि वो इग्नोर कर रहा हो। तो अगर आपको इग्नोरेंस फील आ रही है उसकी तरफ से, आपको इग्नोरेंस फील हो रहा है,
तो यहाँ पर भी वो इंसान आपको प्यार नहीं करता है, वो किसी और को प्यार करता है, तो वो उस समय उसके बारे में सोच रहा है, तभी वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पर जब आपको इग्नोरेंस मिले, इग्नोरेंस फील हो उसकी तरफ से, तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। तो ये चौथा साइन हो गया, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। अब बात करते हैं लास्ट और फाइव साइन के बारे में। तो पांचवा साइन है जो बताता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो ये है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, आपके साथ ज़्यादा देर तक बातें करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, आपके साथ ज़्यादा देर तक बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, आपके साथ कहीं बाहर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा, आपसे प्यार करने लगेगा, तो उसे आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा और आपके साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करेगा, उसे आपके साथ अच्छा महसूस होगा जो इंसान आपसे प्यार करेगा। तो अगर कोई भी इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है तो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो अभी आपके साथ प्यार में नहीं पड़ा है, उसका अभी इंटरेस्ट आप में नहीं है। तो देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप नया नया है, आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो पहले उसके इंटरेस्ट को अपने ऊपर बढ़ाइए, उसका इंटरेस्ट आप में होना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई है कि उसके इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं, और उसके बाद आप ये काम ये कर सकते हैं कि उसका विश्वास आपके ऊपर हो जाए। जब उसका ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाएगा तब वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगेगा, जब वो कंफर्टेबल फील करेगा तो वो आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, विश्वास, ट्रस्ट, कंफर्टेबल फील करना, ये उसी रिलेशनशिप में होता है जिसमें प्यार होता है। तो अगर कोई भी इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि सामने वाला इंसान, आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो यहाँ पर वो इंसान अभी आपके साथ प्यार नहीं करता हैगा। तो ये फाइव साइन जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिए हैं, आई होप आप इनसे जज कर पाएंगे कि उन्हें आपसे प्यार है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। कॉल फॉर मी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप मेरी लव इंटरटेन आईडी को सर्च मारेंगे, लव इंटरटेन @CM4 को, वहां से मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, और फिर मुझे आप कॉल कर सकते हो। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, कोई भी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स है डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली वे झिझक होकर बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मंथ के वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।